नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आपको याद होंगे गंजी अंडर बियर वाले विधायक जी। जी हां, बिहार के गंजी अंडर बियर वाले विधायक जी तो आपको याद ही होंगे ना, जो तेजस राजधानी एक्सप्रेस में गंजी अंडर बियर पर घूम रहे थे। हम बात कर रहे हैं गोपाल मंडल की। गोपाल मंडल जो गंजी अंडर बियर में घूम कर ट्रेन के अंदर चर्चा का विषय बन गए थे और विपक्ष के निशाने पर भी आ गए थे। गोपाल मंडल पर तब केस दर्ज किया गया था RRGRP में। दरअसल तेजस एक्सप्रेस में पटना से वो सवार हुए थे, उसके बाद गंजी अंडर बियर में आ गए विधायक महोदय। खूब फजीहत हुई। विधायक महोदय पर जो गंभीर आरोप भी लगे, विधायक महोदय को कहा गया कि उन्होंने गालियां दी, जो यात्री ने उन्हें मना किया इस तरह से घूमने को, तो वो उलझ गए, उनसे गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी, जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। ये तमाम आरोप लगे थे विधायक गोपाल मंडल पर, जो गोपालपुर के विधायक हैं, JDU के विधायक हैं, नीतीश कुमार जी के विधायक हैं। तो नीतीश कुमार जी के विधायक पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। काफ़ी दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक विधायक जी से पूछने की हिम्मत पुलिस नहीं जुटा पाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोपाल मंडल की। गंजी अंडर बियर वाले विधायक जो ट्रेन में घूमते नजर आए थे, वायरल हो गए थे, फोटो उनकी वायरल हुई थी और उसके बाद खूब फजीहत हुई थी। विधायक जी के साथ साथ नीतीश कुमार की भी फजीहत हुई थी। नीतीश कुमार के दुलरुआ विधायक, लोगों ने कहा कि दुलरुआ विधायक देख लीजिए नीतीश कुमार के हैं, क्या हाल है उनका, ट्रेन में घूम रहे हैं इस तरह से नंग धड़ंग अवस्था में गंजी अंडर बियर पर। तो अब बता रहे हैं कि CCTV फुटेज देखकर कार्रवाई की बात की गई थी लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो सका है। कहा कि नीतीश कुमार जी के खासमकाज दुलरुआ विधायक जो ठहरे हैं। तो खैर, आपको बताते हैं पूरा मामला क्या था। तो जो गोपाल मंडल हैं, बनियान अंडर बियर में घूम रहे थे ट्रेन के अंदर। इस मामले में 26 दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक पुलिस ने गोपाल मंडल का बयान नहीं लिया है। FSL को भेजने की बात थी कि CCTV फुटेज भेजा जाएगा, वो कार्रवाई भी नहीं की गई है। यानी विधायक जी पर पूरा मेहरबान है पुलिस। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है भाई, क्योंकि CM नीतीश कुमार के दुलरुआ विधायक हैं गोपाल मंडल। और गोपाल मंडल जब घूम रहे थे गंजी अंडर बियर में तो मामला काफ़ी तूल पकड़ लिया था और उसके बाद नीतीश कुमार ने भी इस मामले पर चुप्पी साध ली थी, कुछ नहीं बोले थे वो। तो अब जो बात सामने आ रही है कि 26 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है कि गोपाल मंडल आखिर घूम रहे थे और खुलेआम धमकियां भी दे रहे थे लोगों को मना करने पर, टोकने पर, और जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो मतलब तमाम विवादास्पद चीज़ें उस राजधानी तेजस एक्सप्रेस में आई जिसमें हजारों की संख्या में यात्री यात्रा कर रहे थे, लेकिन विधायक जी ने गंजी अंडर बियर पर घूमकर सारे लोगों की जो है यात्रा की ऐसी की तैसी कर दी थी। तो खैर, आपको बताएं कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि ट्रेन के कोच में जो CCTV कैमरा लगा है, पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है CCTV में। DVR को रेल पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। पटना के रेल SP विकास बर्मन के मुताबिक जल्द ही फुटेज को जाँच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा जाना है, जल्द ही भेजा जाना है, लेकिन 26 दिन बीत चुके हैं आपको हम बताएं। तो FSL में भी अभी तक भेजा नहीं गया है, जल्दी भेजे जाने की बात हो रही है और 26 दिन बीत चुके हैं तो बयान दर्ज भी नहीं किया गया है विधायक जी का। अब रेल SP विकास बर्मन के मुताबिक अगर माने तो जरूरत पड़ने पर विधायक गोपाल मंडल का बयान दर्ज होगा। पहले कंप्लेन करने वालों का बयान लिया जा रहा है, कंप्लेन करने वाले सभी अलग अलग जगह के हैं, इस कारण सबका बयान एक साथ लेने में दिक्कत हो रही है। रेल DSP सबका बयान खुद ले रहे हैं। तो SP साहब बता रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है लेकिन विधायक जी का जरूरत पड़ने पर बयान लिया जाएगा। फिलहाल अभी जो शिकायतकर्ता हैं उनका बयान लिया जा रहा है। 26 दिन बीत चुके हैं, हम आपको ये बता रहे हैं। तो ये पूरा मामला जो है आपको बता दें कि 2 सितंबर का है, जब 02309 अब तेजस राजधानी एक्सप्रेस में सवार हुए थे विधायक जी A1 कोच में, सीट नंबर 13, 14 और 15 पर JDU विधायक गोपाल मंडल अपने साथियों के साथ सफर कर रहे थे। जहानाबाद के रहने वाले प्रहलाद पासवान अपने परिवार के साथ उसी कोच में सीट नंबर 22-23 पर थे। दोनों का टिकट पटना जंक्शन से नई दिल्ली का था। मतलब कि विधायक जी भी सफ़र कर रहे थे और एक जो प्रहलाद पासवान है उनका परिवार भी सफ़र कर रहा था। इसी दौरान विधायक गोपाल मंडल कोच में कपड़े खोलकर गंजी और अंडरवियर पर
टॉयलेट जाने लगे। इस दौरान जब वो वापस लौटे तो प्रहलाद पासवान जो परिवार के साथ वहाँ मौजूद थे उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कोच में मौजूद महिला पैसेंजर्स का हवाला दिया। आरोप है कि इस बात को समझाने के बजाय विधायक हल्ला हंगामा और गाली गलौज करने लगे और इस दौरान ट्रेन में मौजूद आरपीएफ की स्कॉट टीम ने शांत करा दिया मामले को। हालांकि इस दौरान विधायक जी बहुत कुछ कर गए, गाली गलौज भी कर गए, जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल कर दिया, जहां तक कि आरोप जो लगे हैं कि उनका चेन और अंगूठी भी छीन ली जो प्रहलाद पासवान है जो शिकायत करता है, और साथ ही साथ धमकी भी दे दी विधायक जी ने। तो ये तमाम जो है करतूत तो वो अंजाम दे चुके थे विधायक जी इस दौरान। हालांकि बाद में पुलिस ने मामले को शांत करा लिया। इसके बाद 3 दिसंबर को दिल्ली पहुंचने पर प्रहलाद पासवान ने वहां पुलिस में शिकायत की। इसके बाद उनके रिटर्न कंप्लेंट को आरा फॉरवर्ड कर दिया गया, आरा जीआरपी को भेज दिया गया ये मामला, क्योंकि ये आरा जीआरपी के क्षेत्र में ये घटना हुई थी। उसके बाद चलती ट्रेन में जो घटना हुई थी तो ये जो तेजस राजधानी एक्सप्रेस कोइलवर स्टेशन पास कर रही थी जो आरा जीआरपी का क्षेत्र है, तो इस वजह से इसे आरा जीआरपी को जांच के लिए भेजा गया। और हमने आपको बता दिया कि अभी तक जांच की क्या प्रगति है। 26 दिन बीत जाने के बाद भी नीतीश जी के दुलरवा विधायक पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आगे देखिए होता है क्या। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।